हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, जो आज हम शुरू करेंगे हमारे पास हमारी क्लास 12th का, ठीक है, जो हमारा चैप्टर 11th चल रहा है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के। इसके हम 11 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, हम 12वां क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। एंड फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, ठीक है, हमें वेक्टर इक्वेशन पता करने के लिए कहा गया, सॉरी वेक्टर इक्वेशन दी गई है, एंगल पता करने के लिए कहा गया। तो इसमें देखें, इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स आर क्या दे रहे हैं, वेक्टर आर डॉट 2i + 2j -3k इक्वल टू 5, ठीक है, एंड वेक्टर आर डॉट 3i - 3j +5k इक्वल टू 3, ठीक है। हमें क्योंकि एंगल पता करना है दो प्लेन्स के बीच में, तो उनके प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उनके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं हमारे, उन्हीं को हमें लिखना होता है। सो नॉर्मल वेक्टर n1 आपके पास क्या है, 2i + 2j - 3k, ठीक है, हमें ये चाहिए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करेंगे, 2 की पावर 2 + 2 की पावर 2 + -3 की पावर 2, इट मीन्स 4 + 4 + 9, इट मीन्स आपके पास कितना आ जाएगा, √17, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। दूसरा आपका नॉर्मल वेक्टर क्या है आपका, इसको b1 या b2 से भी लिख सकते हैं आप, n1 n2 से भी लिख सकते हैं, वो आपके पास आपकी चॉइस है, जिस भी प्रकार से आपने याद किया होगा फॉर्मूलाज को, ठीक है, माइंड के अंदर फीड किए होंगे, उसी हिसाब से आप अपना लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे नॉर्मल का, 3 की पावर 2 - 3 की पावर 2, ठीक है, +5 की पावर 2, तो आपके पास 9 + 9 + 25 हो गया, ठीक है, इट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या आ गई, √43, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एन वेक्टर और एन टू वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट, इट मीन्स 2 × 3 + 2 × -3 + -3 × 5, तो 6 - 6 - 15 मीन्स -15 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सो एंगल बिटवीन प्लेन्स हमारे पास, ठीक है, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन्स देन कॉस थीटा आपके पास क्या बनेगा, दोनों वेक्टर की हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपॉन में दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, हमारे पास क्योंकि हम एक्यूट एंगल पर बात करते हैं इसलिए हम इसको अपना मॉडुलस कर सकते हैं। अगर आप मॉडुलस नहीं भी करेंगे तब भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके पास आपका ये गलत होगा, ठीक है, आप इसको जनरल इसी फॉर्म के अंदर भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास एक्यूट अब्यूज्ड का जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, ऑब्ट्यूज भी हो चाहे एक्यूट हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज के अंदर। ये वैल्यू जैसे -15 बनी आपकी, ये √17 बनी और ये √43 बनी, सो आपका जो एंगल थीटा है वो क्या हो जाएगा, cos inverse -15 अपॉन, आप इनकी मल्टीप्लाई करके लिखना चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दें, लेकिन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर तो बाहर आएगा ही नहीं, आप इनको इसी फॉर्म में रखना चाहे तो इसी फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, हमारा एंगल आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना होगा वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, आपको कह रहा है इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल आर परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, मीन सबसे पहले आपको कह रहा है कि आप पता करें कि वो एक पैरेलल या परपेंडिकुलर तो नहीं है आपस में एक दूसरे के, अगर नहीं है तब उनको उनके बीच में बनने वाला एंगल पता करें, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए हमारे पास, इसके अंदर हमें क्या दे रहा है, ये इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स आर, ठीक है, क्या दी है हमें, 7x + 5y + 6z + 30, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी प्लेन की, एंड दूसरी प्लेन की इक्वेशन क्या है, 3x - y, ठीक है, -10z + 4 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन होगी प्लेन की, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन वन
क्या बन जाएंगे यार, 7, 5 and 6, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन सेकेंड आर वो क्या बन जाएंगे 3 -1 and -10। ठीक है, ये चीज हमारे पास होगी। अब हमें क्या करना है, इनको परपेंडिकुलर और पैरेलल चेक करना है, तो उसी के लिए हम देखेंगे। हमारे पास परपेंडिकुलर पैरेलल के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, लिखेंगे प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, टू ईच अदर इफ a1 a2 b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो आपने वैल्यूज इनकी की 7 × 3 + 5 × -1 + 6 × -10, सो 21 - 5 - 16। ठीक है, -16 5 आपके पास बना, ठीक है, -65 उसमें से 24 घटाए तो -44 बन जाएगा आपके पास, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपस में जीरो के बराबर नहीं है, सो ठीक है, इसलिए हमारे जो प्लेन्स है प्लेन्स 1 एंड प्लेन्स 2, ठीक है, आर नॉट परपेंडिकुलर, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर, ये लिख देंगे हम। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, इनको आपस में इनकी पैरेलल के लिए, ठीक है, पहली कंडीशन परपेंडिकुलर की चेक कर ली, दूसरी हमने पैरेलल की चेक कर लीजिए, चाहे पहले आप पैरेलल की चेक कर लीजिए फिर परपेंडिकुलर की चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपको शो हो जाता है ना डायरेक्टली, वैसे ही पता चल जाता है, मान लीजिए कि कोई पैरेलल दिख रहे हैं हमें, ठीक है, तो आप पहले ही पैरेलल की कंडीशन चेक कर लिख सकते हैं, चाहे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमें मल्टीप्लाई करके ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन 1 and 2 आर नॉट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल नहीं है ये, एज क्योंकि 7/3 नॉट इक्वल टू 5/-1 नॉट इक्वल टू 6/-10। ठीक है, आपके पास ये होगी, ये आपस में नहीं है, इसलिए आपके पास सो ठीक है, These planes are not parallel, इसलिए प्लेन आपके पैरलर नहीं है। अब जब प्लेन पैरलर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों के बीच में एंगल पता करना होगा। एंगल पता करने के लिए हमें क्या करना है, एंगल का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे हमारे पास, ठीक है, सो एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज गिवन बाई, क्या फॉर्मूला है आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन में, इनके मैग्नीट्यूड लिखने हैं आपको, ठीक है, a1 की पावर 2 b1 की पावर 2 + c1 की पावर 2 a2 की पावर 2 + b2 की पावर 2 + c2 की पावर 2। ठीक है, अब इनकी जो मल्टीप्लाई है वो तो आपने ऑलरेडी ऊपर वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है -44, ठीक है, और आप चाहें तो यहां से इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड जैसे एंगल के अंदर हमें जरूरत पड़ती है, हमें पता चले, ठीक है, परपेंडिकुलर अब नहीं है तो अब आप सॉल्व कर ले, यहां सॉल्व करना चाहिए यहां सॉल्व कर लीजिए, ऊपर सॉल्व करना चाहिए ऊपर सॉल्व कर लीजिए, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 7 की पावर 2 + 5 की पावर 2 + 6 की पावर 2, तो हमारे पास क्या बन गया, 7 का 49 + 25 + 36, ठीक है, ये आपके पास बन गई 36 + 25 आपके पास, ठीक है, जो वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी आपके पास, 61 and 49 110। ठीक है, ये आ गया आपके पास, इससे देखें 3 की पावर 2 + -1 की पावर 2 + -10 की पावर 2, तो आपके पास कितना बन जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, 1 का 1 9 3 का 9, तो ये भी कितना आ गया, 110 आ गया। ठीक है, √110 × √110, इट मीन्स -44/110, और अगर आप इसको काटते हैं हमारे पास 11 से कट के 22 से ही काट दें, 5 आ जाएगा और 22 से 2 आ जाएगा, इट मीन्स -2/5 वैल्यू बनगी आपके पास ये। ठीक है, सो आपके पास यहाँ से आगे जब थीटा लिखेंगे तो कोस इनवर्स -2/5, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हमारा क्वेश्चनिंग हो जाता है, एंगल आ जाता है हमारे पास।
ऐसे ही हम देखें हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, उसके अंदर हमें क्या करने के लिए कह रहा है ये उसको देखेंगे। इक्वेशन सेकंड पार्ट के अंदर जो दी गई है उनके बारे में हमें लिखना है, ठीक है, उनको देखते हैं। प्रोपोर्शनल से कंसेप्ट लेकर चल पड़ते हैं हम, आपके पास की क्या रहेगा जो प्लेन्स की इक्वेशन है दोनों के अंदर, आपके पास हर पार्ट के अंदर एक अलग प्लेन की इक्वेशन दी गई है, पांच पार्ट दिए गए उनके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इसका बी पार्ट देखेंगे हम, इसमें इक्वेशन दे रहा है 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेकंड प्लेन दे रहा है x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके डायरेक्शन रेशियो है 2, 1, 3, और इसके डायरेक्शनों से 1, -2 एंड 0। अब यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 + 1 × -2 + 3 × 0, तो 2 − 2 + 0 मीन 0 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। सो प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, सो प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इट मींस एंगल जो बना हमारे पास थीटा वो कितना बन गया आपके पास 90 डिग्री हो गया, बट एंगल की हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, परपेंडिकुलर का मतलब ही आपके पास 90 डिग्री हो गया, ठीक है, उसको स्पेशल अलग से मेंशन करने की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। आगे देखें इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या चीज कह रहा है ये। थर्ड पार्ट के अंदर देखिए आपको जो प्लेन की इक्वेशन दी गई है, पहले हम उसको लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे हमारी, ठीक है। पार्ट थर्ड, इसके अंदर आपके पास इक्वेशन क्या दे रहे हैं, 2x − 2y, ठीक है, प्लस 4z, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन दे रहे हैं 3x − 3y प्लस 6z माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 − 2 = 4, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या बनते हैं, 3 − 3 = 6। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम करते हैं तो 1 − 1 = 2, 1 − 1 एंड 2, ठीक है, इससे भी 1, 1, 2 से डिवाइड या 3 से डिवाइड, इट मीन्स ये प्रोपोर्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास हमारे थर्ड पार्ट के अंदर हम इनकी प्रोपोर्शनल पर बात कर सकते हैं पहले, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमें पहले इनकी परपेंडिकुलर पर ही बात की जाए, हम डायरेक्ट इनकी उस पर भी बात कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है, प्रोपोर्शनल्स पर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे हमारे पास इसमें हमारे फोर्थ पार्ट के अंदर, ठीक है, 13th के फोर्थ पार्ट के, सॉरी, हमारा ये थर्ड पार्ट है, सी पहले ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, कन्फ्यूजन होगी। तो अब उस चीज के अकॉर्डिंग हमें जो लिखना है, अब आपके पास क्या हो जाएंगे, दीज डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, 2/3 = −2/−3 = 4/6, आपके पास रेशियो सेम है, ठीक है, हेंस प्लेन 1 एंड 2, ठीक है, आर पैरेलल आपके पास हो जाएंगे, ठीक है, आर पैरेलल, ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे फोर्थ पार्ट के अंदर देखिए हमारे पास, फोर्थ में तो इन्होंने जो हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, वो बिल्कुल ही अपने आप में ही सेम दे दी गई है, 2x − y आपके पास, ठीक है, प्लस 3z − 1 आपके पास, ठीक है, हमें जो दे रहा है −1 = 0 आपकी फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन होगी, दूसरी भी यही सेम दे रहा है 2x − y + z, ठीक है, और कांस्टेंट दे रहा है +3 = 0। सो डायरेक्शन रेशियो आपके पास दोनों के अंदर ही फिर आपके पास सेम बन जाते हैं, ठीक है, इसमें ये 3z दे रहा है आपको, सॉरी फोर्थ पार्ट के अंदर, ठीक है, तो जो डायरेक्शन रेशियो है आपके पास उसी के अकॉर्डिंग बन जाए हैं हमारे पास, मींस 2 − 1 एंड 3, इसमें भी 2 − 1 एंड 3, एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट्स होते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो आपके प्रोपोर्शनल है, मींस 2/2 − 1/1 एंड 3/3,
सो प्लेन वन एंड प्लेन टू आपके क्या हो गए, पैरेलल हो गए दोनों के दोनों, ठीक है हमारे पास, क्लियर। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, इसका लास्ट पार्ट देखेंगे आप ई, ठीक है। उसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, आपको प्लेन की इक्वेशन दी गई है 4x plus 8y plus z minus 8 is equal to 0, y plus z minus 4 is equal to 0। आपने डायरेक्शन रेशियो लिख लिख लिए, मैं आपको सॉल्यूशन शो करवा रहा हूँ। 481 दूसरे के डायरेक्शन रेशियो आपके पास 011 आ गए, आपने उनको रेशियो चेक की, प्रोपोर्शनल नहीं है तो नॉट पैरेलल हो गया, उनकी डॉट प्रोडक्ट की नॉट इक्वल टू जीरो बनी, इट मीन नॉट परपेंडिकुलर हो गया। फिर एंगल निकालने के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना उनके बीच में, ठीक है। हमने एंगल निकालने के लिए उनके बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन में इनका अंडर रूट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकाली आपने और हमारे पास यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1/√2 बनी, जो पाई बाय फोर की वैल्यू होती है। सो एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, पाई बाय फोर आ जाएगा आपका, क्लियर। इस तरीके से आपने जो फिफ्थ पार्ट है इसको खुद अपने आप ट्राई करके देखेंगे एक बार, आपको सोल्यूशन मैंने शो करवा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर हमें देखिए क्या करने के लिए कह रहे हैं, कहते हैं इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स पॉइंट सॉरी फ्रॉम द क्रॉस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। आपको प्लेन की इक्वेशन दी गई और पॉइंट्स दिए गए, यहां से इनकी इक्वेशन डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया कि क्या डिस्टेंस होगी आपके पास, वो बतानी है हमें। इसमें सिर्फ आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। तो हम सिंपल मैं एक बार में ही लिख कर छोड़ देता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन, आपके पास जो प्लेन दिया गया होगा आर, प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो ये डिस्टेंस आपके पास क्या बनेगी आपकी, अगर हम कहें इज क्या डिस्टेंस होगी आपके पास, मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन में आपके पास ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स होंगे इनका मैग्नीट्यूड। फर्स्ट पार्ट देखिए आपके पास, ठीक है, पॉइंट आपको क्या गिवन कर रहा है, ये जीरो जीरो जीरो, ठीक है। एंड प्लेन क्या कह रहा है आपको, प्लेन इज थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस ट्वेल्व जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल टू थ्री दिया गया था, हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ ले आएंगे हमारे पास, ठीक है। सो डिस्टेंस आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये क्या बन जाएगी, आपने एक्स वाई जेड की जगह जीरो जीरो पुट कर देना, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस थ्री अपॉन में इनके कोफिशियंट्स का मैग्नीट्यूड, थ्री की पावर टू प्लस माइनस फोर की पावर टू प्लस ट्वेल्व की पावर टू। तो ऊपर आपके पास माइनस थ्री है, नीचे आपके पास क्या हो गया, नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस 144, ठीक है, मीन्स माइनस थ्री अपॉन, अगर हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करें कितना बन गया आपके पास, रूट 169 बन गया, मीन्स 3/13, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट देखें आप, आपको पॉइंट क्या दे रहा है, ये 3 माइनस टू वन, ठीक है, एंड प्लेन क्या दे रहा है, प्लेन इज 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये दे रहा है आपको। तो डिस्टेंस क्या बन जाएगी आपकी, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लें या अकेला डिस्टेंस लिख लें, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया 2 इंटू 3, माइनस वाई की जगह माइनस 2 पुट कर दिया, जेड की जगह 1 पुट कर दिया प्लस 3 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड लिखना है आपको, ठीक है, किसका, आपके नॉर्मल का, ठीक है, जो वेब प्लेन का नॉर्मल बनेगा उसके कोफिशियंट्स क्या है, 2 2 की पावर 2 प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, मीन्स 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, अपॉन में आपके पास रूट के अंदर क्या बन गया, 4 प्लस 1 प्लस 4, इट मीन्स क्या वैल्यू बन गया आपके पास, 13/3, ठीक है, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, डिस्टेंस होगी, ठीक है। ऐसे ही अब देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट थर्ड के लिए क्या बनेगा, ठीक है, ये हमारे टू के लिए हो गया, अब थर्ड के लिए देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखें आपको पॉइंट क्या गिवन कर रहा है, ये ठीक है, पॉइंट क्या गिवन कर रहा है, पॉइंट दे रहा है 2 3 एंड माइनस फाइव, एंड प्लेन की इक्वेशन दे रहा है आपको एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
एक्स की जगह टू पुट कर दिया, वाई की जगह थ्री पुट कर दिया और जेड की जगह माइनस फाइव पुट कर दिया, माइनस नाइन अपॉन में आपके पास इनके कोफिशेंट्स का मैग्नीट्यूड वन की पावर टू, टू की पावर टू प्लस माइनस टू की पावर टू। तो आपके पास क्या वैल्यू बन गई, टू प्लस सिक्स प्लस टेन माइनस नाइन अपॉन में रूट के अंदर वन प्लस फोर प्लस फोर, तो ये तो थ्री बन जाएगा आपके पास। यहां से टेन माइनस नाइन वन बन गया आपके पास, ठीक है। सिक्स और एट, एटीन माइनस नाइन नाइन हो गया, इट मीन्स आपके पास थ्री, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। एंड फोर्थ पार्ट के अंदर देखिए क्या कह रहे हैं आपको, जो पॉइंट गिवन है आपके पास वो क्या दे रहे हैं, माइनस सिक्स जीरो जीरो एंड द प्लेन की इक्वेशन क्या दे रहे हैं आपको, प्लेन इज टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपको दे रहे हैं। तो डिस्टेंस कह लीजिए या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लीजिए, वो क्या बन जाएगी आपके पास, एक्स की जगह आपने माइनस टू पुट कर दिया, वाई की जगह जीरो एंड जेड की जगह जीरो, जीरो से गुना करने पर जीरो ही बन रहा है उसने, एंड माइनस टू अपॉन में मैग्नीट्यूड टू की पावर टू प्लस माइनस थ्री की पावर टू प्लस सिक्स की पावर टू। वैल्यू कितनी आ गई ऊपर, माइनस ट्वेल्व, माइनस टू अपॉन अंडर रूट के अंदर फोर प्लस नाइन प्लस थर्टी सिक्स, इट मीन्स माइनस फोर्टीन बाय सेवन बन जाएगी, माइनस टू होगी मैग्नीट्यूड आपके पास, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में निकलेगा, डिस्टेंस है पॉजिटिव होगी हमेशा, ठीक है। सो आपके पास क्या बन जाएगा आपका, टू यूनिट्स, क्लियर, ये आपके पास डिस्टेंस होगी, ठीक है। इससे हमारी जो एक्सरसाइज है 11.3 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम्स के हिसाब से या कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पास प्लेन की एक इक्वेशन पता करनी होती है हमें, ठीक है। जैसे मैं आपको जगह शो कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट, ठीक है, आपको पॉइंट की एक इक्वेशन पॉइंट पासिंग पॉइंट दिया गया प्लेन का, वन माइनस वन टू एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, ठीक है, ये दिया गया। अब हमारे पास प्लेन, ठीक है, पासस थ्रू द पॉइंट वन माइनस वन एंड टू इज क्या बनेगी, अगर मान लीजिए ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियो हैं, तो ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई प्लस वन प्लस सी जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपके पास पहली इक्वेशन प्लेन की, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन रेशियो आपके पास हैं जो दिए गए हैं, वो ए बी सी हो गया आपके पास। अब हमें क्या कहा गया, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, ये परपेंडिकुलर है आपके पास प्लेन नंबर टू और थ्री के हमारे पास, ठीक है। तो उसी चीज के अकॉर्डिंग प्लेन वन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन्स, क्या कह रहे हैं, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है। एंड दूसरा प्लेन क्या कह रहे हैं, एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू एट, इनके परपेंडिकुलर है। सो आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट आपकी, ठीक है, जीरो होगी। सो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसलिए आपके पास देखें टू ए, इसके डायरेक्शन ए बी सी है, इसके टू थ्री माइनस टू है, प्लस थ्री बी माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो, मान लो मैंने सेकेंड इक्वेशन कह लिया। इसके डायरेक्शन जो वन टू माइनस थ्री है, इसके ए बी सी है, तो ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो, ये थर्ड इक्वेशन होगी आपकी, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू निकालने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। नाउ ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, तो देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो एबीसी वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करना है हमने, ठीक है। 2312 के अकॉर्डिंग लिखते हैं, पहले सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड, फिर थर्ड कोफिशिएंट, फिर फर्स्ट कोफिशिएंट, फिर अगेन थर्ड कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे ही पहले टू आ जाएगा, फिर अगला सेकंड वाला, सेकंड थर्ड कोफिशिएंट फर्स्ट कोफिशिएंट एंड फिर अगेन सेकंड कोफिशिएंट। तो ए अपॉन क्या बनेगा आपके पास, थ्री को माइनस थ्री से माइनस नाइन हो गया, माइनस टू को माइनस टू से माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस हो गया,
एंड बी अपॉन क्या बन जाएगा, माइनस टू को वन से माइनस टू हो गया, ठीक है, एंड माइनस माइनस थ्री को टू से माइनस सिक्स मीन्स प्लस सिक्स बन जाएगा, एंड सी अपॉन आपके पास टू इंटू फोर बन जाएगा, माइनस वन को थ्री से थ्री बन जाएगा, इट मीन्स आपके पास क्या वैल्यू बन गई, ए अपॉन माइनस फाइव, बी अपॉन फोर, ठीक है, एंड सी अपॉन वन आपके पास। यहाँ से अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो ए बराबर में क्या वैल्यू बन गई, माइनस फाइव सी, एंड बी इज इक्वल टू कितनी बन गई आपके पास, फोर सी, ठीक है, और सी आपको सी के रूप में ही हो गया हमारे पास, ठीक है, पुट हम कहें इनको, पुट इन इक्वेशन वन, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए की जगह आपने पुट कर दिया माइनस फाइव सी एक्स माइनस वन, प्लस बी की जगह पुट कर दिया फोर सी वाई प्लस वन, एंड सी की जगह सी ही रहेगा आपके पास जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सी आपके पास कैंसिल हो गया, माइनस फाइव एक्स माइनस वन प्लस फोर वाई प्लस वन प्लस जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव प्लस फोर वाई प्लस फोर प्लस जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सो माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई प्लस जेड, इनको देखिए पांच चार नौ, नौ में से दो गए सात, माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगी आपके पास, और अगर हम एक्स के साथ माइनस क्योंकि रखते नहीं है तो चेंज कर देंगे आपके पास, ठीक है, फाइव एक्स पॉजिटिव कर दिया माइनस मीन्स माइनस वन से एक प्रकार से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आपके पास आपकी इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर, इस तरीके से आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सॉरी प्लस फाइव प्लस ये प्लस सेवन बनेगा और ये माइनस सेवन बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं ना, मोर फाइव प्लस फोर नाइन, माइनस टू प्लस सेवन बनेगा हमारे पास, सो ये माइनस सेवन बन जाएगा, इसमें अगर आप चाहें तो आगे इसको पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है, आप दूसरी राइट साइड में लेके जाकर इसको सेवन लिख सकते हैं, ठीक है, हमारा जो ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम्स के व्यू से भी आपके पास इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन या फोटो परपेंडिकुलर के क्वेश्चन, ठीक है, इमेज उनके निकालने, इमेज फाइंड आउट करना, इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े ही एग्जाम के अंदर आते रहते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों को इसको जरूर शेयर करें, और किन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।